नमस्कार, जय श्री राम सभी को। आज एक टॉपिक है, जब राम जी धनुष तोड़ देते हैं और परशुराम जी को बहुत अधिक क्रोध आता है और आते हैं वो, और लक्ष्मण जी से उनकी बहस हो जाती है। लक्ष्मण जी भी उनकी भाषा में उनका उत्तर देते हैं, लेकिन जब राम जी मामले को शांत करने का प्रयास करते हैं और वो प्रार्थना करते हैं, जो कि तीनों लोगों के स्वयं स्वामी हैं, और वो किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छे से लिखा है। राम मात्र लघु नाम हमारा, यानी मेरा तो बहुत ही छोटा सा नाम है राम, परशु सहित बड़ा नाम तुम्हारा। परशु लगा के आपका नाम तो परशुराम जी होता है। देव एक गुण धनुष हमारे, मेरा एक ही अवगुण है, तो मेरे हाथ से धनुष टूट गया है। नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, बाकी आपके गुण तो पूरे संसार में विद्यमान है और आप सभी पर कृपा करने वाले हैं और हमारे परम पुनीत हैं। सब प्रकार हम तुम संहारे, सभी प्रकार से हम अपने आपसे छोटे ही हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण देव हैं, परशुराम हैं, नाम बड़ा है। क्षमा हम विप्र अपराध हमारे, इसलिए हे ब्राह्मण देव हमारे सारे अपराधों को क्षमा करिए। यानी जो राम जी सर्वशक्तिमान है वो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, और आजकल हम लोग थोड़े से घमंड में भी अपने आप को सभी से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। यही अंतर है बड़े और छोटे में। बहुत बहुत धन्यवाद।